बात करते हैं अजमेर की, जहां आदर्श नगर थाना पुलिस ने चोरी की वारदात करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए गिरोहों के तीनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में एक दर्जन से ज्यादा वारदातें करने का खुलासा किया है। आरोपियों द्वारा महंगे मोबाइल व नशे के शौक को पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम दिया जाता था। आदर्श नगर थाना अधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि दिनांक 24 सितंबर 2021 को श्रीनगर रोड निवासी निखिल जैन ने थाने पर माखूपुरा बाईपास पर स्थित उसकी दुकान में चोरी की वारदात की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उसकी दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखी 25,000 रुपए नकदी और चेक के साथ जूतों की जोड़ियां सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मिली शिकायत के बाद टीम का गठन किया और कार्यवाही के निर्देश दिए थे। SHO सुगन सिंह ने बताया कि टीम ने मामले में घटनास्थल के आसपास लगे CCTV खगाले और पूर्व के आर्तन अपराधियों पर निगरानी से बदमाशों की पहचान की है, जिसके बाद टीम ने कार्यवाही करते हुए माखूपुरा निवासी पुखराज पुत्र कन्हैया विक्रम उर्फ मोनू, पुत्र प्रताप राजवीर उर्फ राइडर, पुत्र शंकर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में 10 से ज्यादा वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से माल की बरामदगी को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस टीम के कार्य में विशेष योगदान हेड कांस्टेबल सीलू कुमार और कांस्टेबल मुकेश उदय का रहा।